मैं दिन की 40 टैबलेट लेती थी और बिल्कुल रोबोट की तरह चलती थी पहले 5 साल पहले। ये हालत थी मेरी। आप इसमें कहीं खुद को ना पाओ, ये हालत थी मेरी। मुझे पकड़ के चलाते थे और चौहान साहब की शिविर में जुड़ी और आज मैं आपके सामने हूँ। तो आप देखिए कि ये प्रथा क्या नहीं कर सकती, जो मुझे खड़ा कर सकती है पूरी दुनिया को खड़ा कर सकती है। आप बस इसमें विश्वास रख के आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ से आप ऐसी नई थेरेपी सीख के जा रहे हैं कि स्वास्थ्य अपनी मुट्ठी में लेके घूमने वाले हो, जैसे मैं घूमती हूँ। हमें कभी डर नहीं रहता कि स्वास्थ्य का क्या होगा, क्योंकि इलाज हमारे पास है। कुछ भी हो जाए, डालना बंद, निकालना शुरू, यानी एनिमा चालू। ये मास्टर की है। एक निर्जला कर लो और दिन में 3-4 बार एनिमा खत्म। 24 घंटे से ज़्यादा कोई बीमारी नहीं रहती है। बहुत से ऐसे अनुभव मेरे साथ जुड़े हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये साधना के दौरान किसी ने मुझसे बेंगलोर से कांटेक्ट किया कि राजू भाई ऐसे ऐसी तकलीफ़ है तो कैसे करना। तो मैंने यहाँ से बॉम्बे से बुक्स भेजी, एनिमा पोर्ट भेजा, पूरी साधना समझाई और वो लेडी थी वो 15-20 दिन में ठीक हो गई। 15-20 दिन के बाद यानी 1 महीने के बाद उसका फ़ोन आया कि राजू भाई एक प्रॉब्लम है, एक भाई है शायद वो कोमा में है या वेंटिलेटर पे है और उनके कोई रिलेटिव थे तो बोले आप ये साधना उसमें काम कर सकती है कि नहीं। तो मैं भी परेशान उस टाइम, तो मिला मैं आपको बताता हूँ चौहान साहब से बात करके मैंने वापस किया, बोला कुछ नहीं वो वेंटिलेटर पे है तो उसको ऐसे भी कुछ देने की ज़रूरत तो है नहीं, जो भी देना है लिक्विड देना है तो अन्न नहीं देवे, हरे पत्ते का जूस या फ्रूट जूस या कोई भी नेचुरल फूड इन जूस में दे सकते हैं और एनिमा का प्रयोग चालू करा दो उनको, हो सके तो 2 बार 3 बार। तो वो लेडी वहाँ पे हॉस्पिटल में थे, वहाँ पे जो उनके थे रिलेटिव उनको बताया ऐसा, तो वहाँ पे डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने बताया कि ये सब चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती है और हम इनकी जान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, ये हमारी गारंटी नहीं है, ऐसा डरा दिया उनको। तो वो वापस 10-15 दिन चुप, लेकिन पैसा तो जा रहा था ना, हेल्थ तो नहीं दिख रही थी, रोज़ पैसे जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे, रिकवरी कुछ नहीं, जीरो। तो लेडी वापस आके मुझे बोले क्या करूं, मिला उनको बोलो अभी हमारे पास पैसा नहीं है, अगर आप 2-3 महीना खर्च चला सकते हैं तो बाद में कुछ बेच के हम दे देंगे आपको पैसा। तो डॉक्टर को जाके बताया, डॉक्टर को लगा कि अभी ये खाली हो गया है तो अभी अपन भी अपना बिस्तरा समेट ले। तो उन्होंने बोला भाई एक काम कीजिए, अभी तो ज़्यादा रिकवरी आना चांस नहीं है, आप अपने घर पे जाके सेवा कीजिए, जैसे हम वेंटिलेटर निकालेंगे 5-6 घंटे का मेहमान है ये, आपसे अभी जो करना है कीजिए। घबर गए हो, बोला क्या करें, बोला लेके आओ ना, ऐसे भी डेड बॉडी की तरह पड़ा है वो, यहाँ लाके कुछ अपने हाथ से तो सेवा करो, हमारे बजाय डॉक्टर हमारी सेवा नहीं कर सकता है। तो वो घर पे लेके आए, मेरे कहने के मुताबिक उनको आधे आधे घंटे में एनिमा दिया और 5 घंटे का जो मेहमान था वो 12 घंटा निकाल दिया, बहुत सारे मल निकले, कचरा निकला। दूसरे दिन उसने आँख भी खोली, कुछ डिमांड की तो हरे पत्ते का जूस वो भी बूंद बूंद कम चम्मच से। तीसरे दिन वो अपने बेड पे बैठा, बोलने की ताकत नहीं थी लेकिन इशारे से उसने बताया कि मुझे कुछ दो, तो थोड़ा ज़्यादा जूस दिया, एनिमा भी दिया।
चार पांच दिन में वो अपने कमरे में चलने लगा। और आज शायद 5-6 साल हो गया है, मेरा कांटेक्ट बाद में नहीं है, लेकिन उसका 1 महीने के बाद फ़ोन आया कि राजू भाई आपने मुझे नया जीवन दे दिया। मैं बोला मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने बताया आपके फैमिली ने किया और आप स्वस्थ हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने तो उसको देखा भी नहीं कि वो आदमी क्या है कैसा है, यहाँ तो सब आप सर के सामने बैठे हो और उन्होंने एक्सेप्ट करके किया और नया जीवन पाया। क्या हम नहीं ऐसा पा सकते? हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने एक दूसरी क्रिया बनाई, उसका नाम था वस्ती क्रिया। वस्ती क्रिया में आचार्यों ने देखा कि आंत में जब मल जमा हो गया कैसे इस आंत की सफाई की जाए, तो उन्होंने एक वस्ती क्रिया बनाई। वस्ती क्रिया में एक बांस की नली होती थी, 1 इंच 2 इंच मोट लंबी होती थी, बहुत पतली नली होती थी, उसमें चिकना लगा करके लैट्रिन के रास्ते में लगाते थे। बाद में कमर तक पानी में जाते थे और नौली क्रिया घुमाते थे। बाबा रामदेव जी को टीवी पे देखेंगे नौली घुमाते हुए, और नौली घुमा करके जब मूल बंद खींचते थे तो पेट में पानी चढ़ जाता था। तो आचार्यों ने एक तरीका बनाया कि पेट साफ कैसे किया जाए, तो पानी को अंदर ले जाते थे, बाद में नदी से बाहर आकर के पानी को निकाल देते थे। एक आचार्य हुआ, इसका नाम था डॉक्टर हॉल। हॉल विचार करने लगे कि यार आचार्यों ने भारतीयों ने चीज़ तो बहुत बढ़िया बनाई, परंतु इसमें एक समस्या, एक तो कमर तक का पानी मिलना और दूसरा वो नौली का घुमाना। विचार करने लगे कि अगर एक तरीका किया जाए कि बजाय ये खींचने के पानी को ढकेला जाए तो कैसा रहेगा। भाई पानी को खींचा जाए और एक है पानी को ढकेला जाए। तो उसने एक ये पहले बनाया एक साधन, इधर नॉन रिटर्निंग वाल लगाया, इधर इसने सिंपल सा, इसने कहा कि पानी में जहां बैठते हैं इस हिस्से को डाल दीजिए, यहां पंप करिए, जब पंप करेंगे तो यहां पानी शॉक कर लेगा, बाद में इसको जब प्रेस करेंगे तो यहां से पानी आने लग जाएगा। तो बोला बजाय ये खींचने के इससे पानी को अगर बैठे बैठे ढकेला जाए तो आराम से पेट में पानी जा सकता है, ये एनस में लगा दिया जाए और इसको पंप किया जाए, 2 पंप 4 पंप 6 पंप प्रेशर बने, इसको निकाल दिया जाए, अपने आप पानी रिटर्न करेगा तो अंदर जितना कचरा गया है वो कचरा सारा बाहर आ जाएगा। इसको सेल्फ एनिमा कहीं भी ले जाया जा सकता है, किसी भी सर्जिकल एम्पोरियम से सेल्फ एनिमा करके खरीदा जा सकता है। परंतु इसमें हाँ, अगर कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई रोगी है, तो इतने आसानी से इसको पंप करना थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, बूढ़े लोगों को खासकर और रोगी लोगों को। और तब बाद में आचार्यों ने बनाया, इसको हम लोग एक डब्बा कहीं भी 3 फुट की ऊंचाई पर इसको टांग दीजिए, चाहे लेटरिंग घर में बैठे बैठे और चाहे कमरे में लेटे लेटे, कहीं भी इसको 3 फुट की ऊंचाई पर इसको रख दीजिए, इसमें पानी डाल दीजिए, इसमें पंप करने की भी जरूरत नहीं। क्या करना है कि ये इसमें कैथेटर लगा है, इसमें पानी डालेंगे, 3 फुट की ऊंचाई पर रखेंगे तो स्वाभाविक है इसमें प्रेशर से पानी आने लगेगा। खाली बैठे बैठे इतने हिस्से को लगाने की देरी है, या लेटे लेटे इतने हिस्से को रेक्टम में लगा दीजिए, ये पानी अपने आप चढ़ जाएगा। जब प्रेशर ज़्यादा बने इस हिस्से को बाहर निकाल दीजिए, बाथरूम में जाएंगे ये पानी अपने आप रिटर्न करेगा। जब पानी रिटर्न करेगा, पानी वापस आएगा, तो इसमें जितना कचरा है वो कचरा भी इस आंत का इसके साथ बाहर निकल जाएगा, न होगा कूड़ा और न होगा कीड़ा, न होगी गोबर और न होगी, बड़ा सिंपल, जिसके सिर दर्द हो रहा हो, जिसके पैर दर्द हो रहा हो, कमर दर्द हो रहा हो, सिर दर्द वाले, तो आज घर जाकर के एक प्रयोग करें कि आमाशय की सफाई बमन से और मलाशय की सफाई एनीमा से कर दें। आप चमत्कारी का असर देखेंगे कि कैसे सिर दर्द खत्म होता है। आपको चक्कर आ रहे हैं, आप समझते हैं कि नहीं खाया इसलिए चक्कर आ रहे हैं, कभी आप प्रयोग करके देखिए, खाली एनीमा लेते ही चक्कर कैसे आपके बंद होते हैं।
आपके कमर दर्द हो रहा है, एक 5-7 दिन लगातार आप एनिमा लेकर के देखिए। जिन लोगों को प्रोस्टेट की समस्या है, खासकर बुजुर्गों में पेशाब की समस्या है, आज शाम को घर जाकर के थोड़े से गर्म पानी का एनिमा लेकर के देखें, इसके साथ रात को पैर के तलवे की मालिश कर दें। जिन महिलाओं को, जिन बहनों को मासिक में दर्द बहुत होता हो या पीरियड्स अनरेगुलर हो, आप लोग कुछ दिन लगातार एक 21 दिन एनिमा लेकर के देखें क्या होता है। दोनों समय का शौच जाना बहुत जरूरी है। अपने आप ना आए तो थोड़े से पानी का एनिमा जरूर ले लीजिए, घर में एक एनिमा पॉट परमानेंट टांग दीजिए लेटरिन घर में। ये कैथेटर सबके अलग अलग कर दीजिएगा, सफाई की दृष्टि से जो नीचे वाला हिस्सा है ये बदला जा सकता है।